नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नवादा के इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जनता को ठग रहे हैं। नवादा में उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के फतेहपुर मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान 150 लीटर शराब के साथ 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार शराब तस्कर पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। पहले जो हम लोग समझते थे कि चुनाव का मतलब, जो राजनीति का मतलब क्या है, जनता के लिए सेवा करना, समाज को बदलना, समाज में अन्याय के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ जो संविधान में जो दिशा है उस दिशा के तहत हिंदुस्तान को ले चलना। लेकिन आज एक बन रहा है कि वहाँ टिकट बिक्री ठीक नहीं है बिल्कुल, तो ठीक चुनाव को पैसे वालों का नहीं, चुनाव में बिल्कुल जो पसीना वाले हैं उनका पूरा हक उनको मिले, चुनाव में जनता की आवाज़ बुलंद हो, गूंजे, हमारी पूरी ये कोशिश है। अरवल जिले के शहर तेलपा मुख्य मार्ग पर टाटा सुमो और ऑटो में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 2 व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग की। जहानाबाद के इड़की गाँव में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। दरअसल हाल में पुलिस द्वारा शराब को लेकर छापेमारी की गई थी, जिसमें पुलिस ने 1 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद से ग्रामीण लगातार पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो 15 तारीख है, 16 तारीख के आया प्रशासन छापामारी कर तो राम बाबू के ले गया पकड़ के। किस चीज का छापामारी? दारू के छापामारी, दारू के छापामारी कर के ले गया और वहाँ ले जाके थाना ने बंद करके मारल गया। राम मारते मारते जान मार दिया राम बाबू। अब कुछ नहीं। मसौढ़ी में महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा देवी ने समर्थकों के साथ बिंदौली पंचायत में बैठक किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से जात पात से ऊपर उठकर वोट देने की अपील की। मसौढ़ी जिले के धनरुआ थाना में एक व्यक्ति ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। दरअसल मंडू मांझी नामक व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस पर घर जलाने का आरोप लगाया। मांझी का कहना है कि अभी खेत पर काम करने गए हुए थे, इस दौरान पुलिस ने उनके घर को आग लगा दिया। अरवल विधानसभा क्षेत्र 214 से सब लोग पार्टी की महिला उम्मीदवार बिमला देवी ने मतदान से पहले ही जीत की दावेदारी कर दी है। उन्होंने कहा कि हमेशा जनता के लिए काम किया है और आगे भी जनता के हित में ही काम करूंगी। मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, क्योंकि एक महिला मुखिया होकर के मैं और पूरे विधानसभा को 3 बार पहले ही कैंपेन कर चुकी हूँ और हर समय मैं जनता के दुख सुख में शामिल रही हूँ। जब भी मुझे लोग बुलाए हैं, दिन हो या रात हो, मैं हमेशा हाजिर रही हूँ और मैं जात की नेता नहीं, जमात की सेवक हूँ।